हाँ जी आज हम करेंगे यूजिंग ऑफ ए एंड द, यानी आज हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो हमने कल स्टार्ट दो दिन से हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा कि डेटरमिनर्स करते हैं। दैट आर्टिकल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स। जो हम डेटरमिनर्स को रीड कर रहे हैं, डेटरमिनर्स क्या है वो नाम से पहले ही आते हैं, तो आर्टिकल भी क्या है उसके पार्ट है। ठीक है, मेनली आर्टिकल हमारे होते हैं तीन, ए एंड द। ए और एन तो यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि कोई भी नाउन जो कि सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उससे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल काउंटेबल नाउन विद कंसोनेंट साउंड्स, यानी कि ए तो हम ऐसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करेंगे जिसकी जो साउंड है कौन सी आएगी, कंसोनेंट वाले, यानी कि व्यंजन वाले आते हैं। जैसे कि ये है आयसा अ मैन, मैन है, मैन का एम है, जो ये जो साउंड आ रही है कौन से, कंसोनेंट वाले, एम क्या है कंसोनेंट में आता है ना। और दूसरा यदि साउंड आती है वोवल की, वोवल हमारे फाइव है, वोवल शब्द हमारे क्या है फाइव है, ए ई आई ओ यू, अगर इनकी किसी एक साउंड आती है और वो सिंगुलर है, रिमेंबर दोबारा सुनो, यदि ए ई आई ओ यू वोवल्स है, जो अगर इन वोवल साउंड की अगर साउंड आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो हम यूज करेंगे एन को। जैसे एन ऑक्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, आई ही सॉ एन ऑनेस्ट मैन, उसने एक ऑनेस्ट मैन को, यहाँ पे ओ की साउंड है, एस यहाँ पे क्या है साइलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस क्लियर ए और एन के यूजेस में। ए किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और एन किसके लिए यूज करते हैं, हम वोवल साउंड के लिए। यूज हमने कहां पे करना है, नाउन से पहले, नाउन से पहले यूज होगा, नाउन के बाद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है इसका, सम वर्ड्स स्टार्ट विद ओ एंड यू, लेकिन इंग्लिश में ना कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि और यू से तो स्टार्ट होते हैं बट साउंड विद कॉन्सोनेंट, लेकिन उनकी आवाज कौन सी आती है कॉन्सोनेंट की, होते स्टार्ट है और यू से आवाज कौन से कॉन्सोनेंट साउंड की, तो भी हम क्या यूज करेंगे ए। जैसे कि ही इज अ यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है, ई आया हुआ है, यू ई वैसे तो वोवल है, लेटर वोवल है, लेकिन साउंड कौन सी है कॉन्सोनेंट की, ई यू से क्या बनता है यह, यूरोपियन। ठीक है, ऐसे ही इज अ वन आईड पर्सन, ओ है, लेटर तो हमारा वैसे वोवल है देखने में, लेकिन साउंड कौन सी है कॉन्सोनेंट की, वन बन रहा है ना, वह बन रहा है इससे, तो ही इज अ वन आईड पर्सन। ऐसा ही है ना, ईयरली में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये ईयरली एंड इसके सामने ना कभी भी एन यूज नहीं होता, इसके सामने ए यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसकी साउंड ही क्या आती है ईयरली आती है, ईयरली आती है इसकी, वैसे जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें यही आती है साउंड, वैसे ईयर बोलते हैं इसमें ना, वैसे ईयर नहीं होता वो गलत होता है। ठीक है, इसके सामने भी ए ही आएगा। ठीक है, तो सिंपली यहां पर यही है कि ओ और यू की साउंड आ रही है, ओ और यू लेटर है लेकिन साउंड कौन सी आ रही है कॉन्सोनेंट की, दैट्स व्हाई वी यूज ए बिफोर इट। नेक्स्ट, सम नाउन्स वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एस, लेकिन ऐसे ही इसके रिवर्स में कुछ हमारे नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं एस से, ठीक है, लेकिन वो साइलेंट रहता है, एस से स्टार्ट होते हैं लेकिन वो साइलेंट रहता है, जिसकी वजह से वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वोवल साउंड बनती है, और अगर वोवल साउंड बनेगी तो रूल हमारा क्या कह रहा है, वोवल साउंड है काउंटेबल नाउन है सिंगुलर है, तो हम एन यूज करेंगे। जैसे ही रीच ऑन एन आवर, ही रीच एन आवर अर्लियर, वह एक घंटे पहले पहुंच गया। एन आवर, एच इसमें साइलेंट हो गया ना, तो साउंड कौन सी बनी वोवल की, तो इसलिए हमने यहां पे एन यूज किया है। ऐसे है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एस क्या साइलेंट रहा, ओ हम यहां पे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या साउंड आएगी हमारी वोवल की, दैट्स व्हाई वी यूज एन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूजेज ऑफ ए एंड द के। बट इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते, क्योंकि
इंग्लिश राइटिंग वाला जो पोर्शन है ना वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40% आपको वही आता है। तो उसमें क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग में, ये नोट है आपके लिए एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स भी यूज करेंगे, डेटरमिनर्स भी यूज करेंगे और हम नाउन भी यूज करेंगे। तो उसमें क्या रूल है कि जो ए और एन है हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज कर दिए पैराग्राफ राइटिंग में, जैसे ये लिखा आई सॉ अ लायन इन अ फॉरेस्ट, हमने यहाँ पे ए और एन आर्टिकल है ना वो यहाँ पे यूज कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से वही सेम नाउन हम यूज करेंगे तो वहां पे ए एन नहीं यूज करेंगे, वहां पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे द, वहां पे हम द यूज करेंगे, जैसे आई सॉ अ लायन इन अ फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वाज थिक, द लायन वाज अनेबल टू फाइंड हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, ये हम इंग्लिश राइटिंग में ऐसे करेंगे हम, ठीक है, और ये रूल है हमारा इंग्लिश राइटिंग का। तो वहां पे आप केयरफुल रहना कि उसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते, बार बार यूजेज नहीं कर सकते आप इसका ए और एन का, ठीक है, एक बार यूज कर दिया। इंग्लिश राइटिंग की बात चल रही हो, यहाँ फिलअप में तो होगा लेकिन राइटिंग में पैराग्राफ राइटिंग करे आप, स्टोरी राइटिंग करे, स्पोज करो ऐसे राइटिंग करे तो वहां पे बार बार यूजेज आपका रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखना, बार बार इसका जो यूज करोगे ना ए और एन का तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ए और एन का यूजेज। नेक्स्ट हम करते हैं आर्टिकल, द आर्टिकल को, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा द यूजेज ऑफ आर्टिकल द, यानी कि द आर्टिकल है हमारा, इसके यूजेज हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पर्टिकुलर थिंग के लिए, यानी कि किसी चीज को हम पर्टिकुलर यानी कि विशेष बनाने के लिए, जैसे है आई हैव स्पेंट द मनी दैट माई फादर सेंट मी, यानी कि मैंने वो पैसा द मनी, यानी कि इसको क्या किया पर्टिकुलर किया, जो मेरे फादर ने मेरे को भेजा, ऐसे ये दिस इज दी हाउस वेयर माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पे हाउस क्या हो गया पर्टिकुलर हो गया, जहां पर इसका स्पीकर का चाइल्डहुड बीता। ऐसे सिंगुलर नाउन विच यूज फॉर दी होल क्लास, ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास है, पूरी कास्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्या है द काउ इज अ जेंटल एनिमल, काउ क्या है एक जेंटल एनिमल है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो द डॉग, ये डॉग है ना पूरी डॉग की जाति के लिए खड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे द यूज करेंगे। और कुछ एडवर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे द हायर वी गो द कूलर, कूलर और हायर क्या है एडवर्ब है, इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे, डिग्री वाले जो एडवर्ब है ना उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे द, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। और कुछ रिवर्स कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स है उससे पहले, जैसे द गंगा रिवर है, द हिमालयस माउंटेन्स है, द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कौन से है कि ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटेन मिलके बना है वो अलग अलग आइलैंड्स के मिलके बना है, इसलिए उसको द ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर हम ओशंस बेस एंड गल्फ, कुछ महासागरों के नाम से पहले और खाड़ी, वो जो खाड़ी होती है उनसे पहले, जैसे कि द इंडियन ओशन द बे ऑफ बंगाल, उससे पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है, बाकी हम द के यूज कल करेंगे हम, ठीक है।